नमस्कार दोस्तों, रोशन मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं, पर इस कलयुग में हनुमान जी के भी बहुत सारे भक्त हैं जो हनुमान जी की कृपा हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। हनुमान जी को माता सीता जी ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, इसलिए कलयुग में भी हनुमान जी धरती पर सशरीर मौजूद हैं। और यदि आपने सच्ची श्रद्धा से हनुमान भक्ति की है और आप संत निष्कपट तथा पूर्णतः धार्मिक हैं, तो आपको सशरीर हनुमान जी के दर्शन तक हो सकते हैं। हनुमान जी कई लोगों जैसे तुलसीदास, नीम करोली बाबा, पंडोखर सरकार वाले महाराज, बागेश्वर धाम वाले महाराज आदि संतों को साक्षात दर्शन देने के साथ ही उनके माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जनमानस की विराट समस्याओं का तुरंत निवारण करते हैं। हनुमान जी को लगभग सभी देवताओं ने अपनी अपनी महान शक्तियां वरदान में दे रखी हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीनहर जानकी माता, यह वरदान भी माता सीता ने हनुमान जी को दिया है। जो भी व्यक्ति हनुमान भक्त होते हैं उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। हनुमान भक्तों पर तो शनि की दशा भी नहीं लगती। दोस्तों, इस पृथ्वी लोक में जीना है तो हर मुश्किल से लड़ना पड़ता है, परंतु कुछ मुश्किलें ऐसी हो जाती हैं कि उसका हल निकालने में कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं। परंतु यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हो जाएंगे तो कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं होंगे। हर मुश्किल से सामना करने के लिए आपके अंदर वह ऊर्जा पैदा हो जाएगी जहां हर मुश्किल काम आसानी से निपट जाएंगे। हनुमान जी की कृपा आपके सर पर होगी तो हर कठिन कार्य आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आइए हम आपको बताते हैं धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा कैसे करें। दोस्तों, मंगलवार के दिन प्रातः काल पूजा के साथ व्रत का प्रारंभ कीजिएगा, फिर रात में पुनः पूजा कीजिएगा। रात की पूजा में हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाकर रखना है। ये ध्यान रखिएगा, तेल के दीपक के लिए मिट्टी के दीपक का उपयोग करना चाहिए। इसमें रुई की बत्ती और सरसों का तेल डालें। इसके बाद हनुमान जी के मंत्रों ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम महाबलाय वीराय चिरंजीवीन उद्दयते हारिणे वज्रदेहाय चोलंधित महाव्यये आदि मंत्रों का जाप करते हुए दीपक जला दें। इसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, इस उपाय से बुरा समय बहुत जल्दी अच्छे समय में बदल जाता है और धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही सुंदरकांड का पाठ करने से भी हनुमान जी बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। हनुमान जी की पूजा में श्री राम जी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। राम भक्तों पर भी वे बेहद प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा रखते हैं। हनुमान जी को मंगलवार को सिंदूर और चमेली का तेल भी अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप विधि विधान और सच्चे मन से हनुमान जी की ऐसी पूजा करेंगे तो 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होना तय है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।